हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सब ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि मैं जो है आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मेरी जो यूट्यूब से पेमेंट आई है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये मेरी फर्स्ट पेमेंट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ खास है, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। जैसा कि आप सब ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि मैंने लिखा है कि ये मेरी जो है बिना वीडियो अपलोड किए हुए पेमेंट आई है, तो ये सच बात है। मैंने जो है 2 महीने तक वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया था, और उसी 2 महीने में मेरी पेमेंट भी बन गई और आ भी गई। तो मैंने सोचा कि आप सबसे बताऊं कि ये कैसे आई और किस लिए आई ये मेरी पेमेंट बिना वीडियो अपलोड किए। मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किया, पेमेंट भी बन गई, तो ये कैसे बना, तो ये मैं आप सबको बताऊँगी। और कितनी पेमेंट बनी है पूरा, मतलब कितना डॉलर बना है 2 महीनों में, वो भी मैं आप सबको बताऊँगी। और चलिए फिर ऐसे देख, पूरी वीडियो को जरूर देखना, तभी आप सबको समझ में आएगा। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप सबको पता नहीं चलेगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देना। और पेमेंट कितनी आई है वो भी मैं आप सबको पूरी बताऊंगी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि कुछ टाइम पहले जनवरी फरवरी में मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने जो है कोचिंग स्टार्ट की है, तो उस समय मैं वीडियो बनाती थी, जाती थी कोचिंग। मैंने कहा मेरी पढ़ाई हो रही है तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया था, कहा था कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वीडियो मत बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन तब भी मैं काफ़ी लोगों की खुशी के लिए, उनको अच्छा लगता था मेरी वीडियो, इसलिए मैंने वीडियो बनाती रही। तो जैसे जाती थी कोचिंग, टाइम मिल जाता था तो एक आध दो वीडियो बना देती थी, महीने में 2-4 वीडियो डाल देती थी। लेकिन मार्च में ऐसा हुआ कि कोरोना ऐसा फैला कि कोचिंग भी बंद हो गई, घर में ही रहना पड़ा, और फिर घर में रह कर सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तो मार्च और अप्रैल जो है मैंने वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया, और वो 2 महीने बहुत खास हुए मेरे लिए। और उस 2 महीने में मेरी जो है, मतलब कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसमें 5-6 महीने बाद मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जो बिल्कुल भी नहीं चले थे, लेकिन वो वीडियो जो है अब मेरे जाके वायरल हो गए। एक मैं जब अपने भाई की शादी में गाँव गई थी तो मैंने गाँव की वीडियो बनाई थी, तो वो मेरा गांव का जो घर था मैंने वो वीडियो दिखाई थी लोगों को, तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। आज जो है 6 लाख उस पर व्यूज हैं, 6.5 लाख व्यूज हैं। और उसकी वजह से जब वो वीडियो भी 2 महीने पहले वायरल हुई, तो उसकी वजह से जो जो और भी जितनी सारी मेरी वीडियो थी उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज आए, और बहुत अच्छा, मतलब उस पर भी रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा लगा। सारी वीडियो मेरी चल पड़ी और मेरे सब्सक्राइबर भी 50,000 हो गए, बहुत अच्छा लगा। तो उसी वीडियो से, उसी मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड की थी पुरानी वीडियो, उन्हीं सबसे मेरी जो है ये इतनी पेमेंट बनी। और कितनी बनी है वो मैं अभी लास्ट में आप सबको बताऊँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मेरी उस समय, मतलब मैं बहुत वो हार चुकी थी कि यार कोरोना भी हो गया, कोरोना भी फैल चुका है, मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। कम से कम बाहर जाती थी, 2-4 वीडियो अपलोड कर देती थी, अब घर में बनाऊं तो क्या बनाऊं, पढ़ाई करूं कि वीडियो बनाऊं। लेकिन गॉड ने साथ दिया और आप सबका भी प्यार बना रहा था, मेरे वीडियो वायरल हुई और सारी वीडियो चलने लगी, और उससे जो है मेरे अच्छे खासे डॉलर बन गए, और अब की बार वो मेरी पेमेंट आई है, बहुत अच्छा लगा। और पेमेंट तो काफ़ी लोगों की मतलब पहले ही आ जाती है, लेकिन मेरी पेमेंट अब की बार थोड़ा लेट हो गई, पता नहीं। तो मेरी पेमेंट आई थी शायद 29 तारीख को आई थी, 29 जुलाई को आई थी। तो बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाऊं, आप सबके साथ शेयर करूं कि हिम्मत नहीं हारना। अगर आपकी पुरानी वीडियो भी है, अगर आपने नया चैनल बनाया है, आपकी पुरानी वीडियो पड़ी हुई आप डाल रहे हो, वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन वीडियो ज़रूर वायरल होगी। आपकी एक वीडियो वायरल हुई, एक भी वीडियो वायरल हुई, तो समझ लो आपके सारी वीडियो पे जो है व्यूज जरूर आएंगे। तो इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी हम जो है बहुत हार चुके हैं, और हम सोचते हैं वीडियो ना बनाएं, आप इस पर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी देखें और समझें कि हारने से कुछ नहीं होगा। वीडियो बनाते रहो। मानती हूँ मन तो उदास होता है, मेरा भी पहले उदास होता था जब पेमेंट नहीं आती थी। देखो लोग वीडियो इसीलिए बनाते हैं, यूट्यूब पर इसीलिए आते हैं, मतलब कि सबको पैसों की ज़रूरत होती है, सब पैसों के लिए नहीं आते, मैं नहीं कह रही कि पैसों के लिए आते हैं, कुछ अपना शौक के लिए भी आते हैं, तो मतलब शौक के लिए भी आते हैं और पैसों के लिए भी आते हैं। पैसों की ज़रूरत सबको पड़ती है, आज के ज़माने में पैसे बहुत बड़ी बात होती है। तो
अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाते हैं वहाँ पे भी आपको पूरा दिन जॉब करना पड़ता है, और इसलिए लोग सोचते हैं चलो ठीक है अगर हम प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहे हैं, अगर यूट्यूब से जो है हमारी पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम से अगर हमारे पैसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है। आजकल के ज़माने कितना खर्चा बढ़ चुका है कि पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है, मेरी भी पेमेंट आई है। तो अब मेरे जैसे पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें लेनी है, किताबें लेनी है, कॉपी लेनी है, पेन लेना है, नोट्स बनाने हैं, उसके रजिस्टर लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो पेमेंट आई है तब लूँगी मैं, मुझे भी जरूरत थी इसलिए मैं वीडियो बनाती थी। लेकिन 2 महीने वीडियो मैंने बनाई नहीं, लेकिन वायरल हो गई इसलिए जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल गया और पेमेंट अब की बार मेरी आ गई। तो मैं सोच रही हूँ आप सबको बता ही दूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, आप सब सोचो 2 महीने में कितनी आई होगी। मैंने वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं की है, और मैं स्क्रीन शॉट भी आप सबको दिखा दूंगी साइड में, आप सब देख लेना कितनी मेरी पेमेंट आई है, और मैं आप सबको बता भी दूंगी कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। पहले आप सब सोचो कि मेरी पेमेंट कितनी आई होगी। तो मेरी जो इस बार जो पेमेंट आई है वो $304 आई है। तो आप सब देख लेना रुपीज के हिसाब से कि कितना बन रहा है, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी पेमेंट कितनी बनी होगी। अभी $1 का कितना बन रहा होगा वो आप जब गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, तो गूगल बताएगा कि $1 का भी कितना रुपए चल रहा है, तो बताएगा। तो उसी हिसाब से आप जोड़ लेना कि मेरी पेमेंट कितनी बनी होगी और कमेंट करके बताना। तो बस यही था, और अब की इस मंथ में शायद अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि अच्छा लगा और सबका सपोर्ट भी बहुत मिला और अच्छा लगा, और 50,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, और मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँगी ताकि जो है अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दूँगी और चैनल पे भी थोड़ा ध्यान दूँगी, तो अच्छी अच्छी कंटेंट मैं लेकर आऊँगी। तो आप सब जो है अगर नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो काफ़ी लोग मेरी वीडियो देखते नहीं हैं वो देखो, अच्छा ना लगे तो अनलाइक कर दो, लेकिन वीडियो देखो एक बार देखो तो ज़रा कि अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, और कमेंट करके बताना कि आप सबको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो बस आज मैंने सोचा ये बात मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने शेयर की। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप मतलब बोला कि आपका नाम ज्योति ब्लॉगर था तो आपने रितु तिवारी क्यों चेंज किया। मैंने एक बार पहले ही बताया कि रितु मेरा घर का नेम है, तो मुझे प्यार से सब रितु बुलाते हैं, तो बस मैंने चेंज कर लिया, ज्योति हटा के रितु तिवारी कर लिया, तो इसमें कोई वो नहीं है, मेरा नाम है, मैं कुछ भी करूं, तो मैंने इसलिए रितु तिवारी कर लिया, अब रितु तिवारी ही रहेगा। तो बस यही था। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।